लोग आई नो भाई, 3 4 दिनों से वीडियो नहीं आई है और इस वीडियो को आ जाना चाहिए था 1 2 वीक पहले, लेकिन मैं बहुत ही काम में था। एंड यू नो भाई, लव सलार का भी इस चक्कर में रिव्यू नहीं आया, लेट आया आया। और अगर आपने नहीं देखा जाके जरूर चेक करना, सलार और डंकी का दोनों का मैंने रिव्यू किया है, तो वीडियो पे आते हैं ठीक है। इस पर हम आज बात करने वाले हैं, अबरार हक क्या जिंदा है क्वेश्चन मार्क। आई नो भाई, मतलब थंबनेल में क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, समझ लो ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया। फिर हम बात करेंगे एनिमल पार्क की थियोरीज पे, कि मुझे जितना पता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो बिना टाइम वीडियो शुरू करता है। तो देखो, हम बात कर लेते हैं भाई इस फिल्म के स्टार्टिंग की, और भाई एंडिंग बहुत ही मेन है इस फिल्म में ठीक है। फिल्म के स्टार्टिंग की बात करें तो फिल्म के स्टार्टिंग में हमें रणबीर कपूर का एक लुक दिखाया जाता है जो बूढ़ा वाला है, मतलब वो मतलब भी बूढ़ा हो चुका है ठीक है। वो सेलिब्रेट कर रहा है अपनी कंपनी स्वास्तिक स्टील का 100th एनिवर्सरी, जहाँ पे वो एक स्टोरी बोलता है बंदर और राजा की, जहाँ राजा की जो बेटी है वो जंगल में नारी हुई है और वो उसे परेशान करता है बंदर, और बंदर बोलता है ठीक है, मतलब ऐसा ही कुछ है, आप हमें देख लें तो हमें पता चल ही जाएगा। प्रिंसेस हो जाती है परेशान राजा के पास, और राजा को बोलती है कि भाई बंदर मुझे छेड़ रहा है, बोलता है चू ठीक है। और फिर राजा बोलता है मंत्री को कि भाई तुम जाके उसे समझाओ, ये क्या इशारे, गंदे गंदे इशारे कर रहा है चू चू ठीक है। और फिर उधर से वो मंत्री जाता है और फिर बंदर को बोलता है कि भाई चू चू ये कैसे कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहे हो तुम ठीक है हमारी प्रिंसेस को। फिर बंदर भी चालाक रहता है कि भाई मतलब वो नकल करता रहता है, मंत्री जो बोलता है वही सेम टू सेम रिपीट किया जा रहा है। तो मंत्री को लगा कि मे भी ये मतलब जो मैं करूँ वो कर ले, उसने क्या किया, 2 तलवार ली और 1 तलवार ये बंदर को असली वाली और नकली वाली उसके पास ले ली, ऐसे 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 घुमाता है मंत्री और फिर ऐसे पेट में कर देता है, ऐसे कर देता है ठीक है। फिर जाता है बंदर के पास, बंदर क्या कहता है, ऐसे ऐसे घुमा घुमा करता है, ऐसे कर देता है ठीक है। मतलब वो नकल कर रहा है लेकिन उसे समझ आ रहा है, मतलब यहाँ पे बंदर को स्मार्ट दिखाया गया है ठीक है। हम लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ ठीक है। यहाँ पे बंदर को स्मार्ट दिखाया गया है, और आगे जाके हमें जो बताया जाता है कि भाई बंदर वाली कहानी में जहाँ पे रण विजय और उसके जीजे और उसकी बहन के साथ वो बात कर रहा होता है, और वहाँ पे हमें वो बोलता है कि भाई नहीं, मतलब वो बंदर वाली कहानी कैसे भी पता है, मतलब पूरी पूरी घर को पता है बंदर वाली कहानी क्या है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है मे बी ये रण विजय नहीं हो, ये मे बी हो सकता है, आई डोंट नो ठीक है, आगे हम इस पर बात करेंगे। लेकिन रण विजय की फैमिली ट्री पे, जहाँ पे मैं आपको बता दूँ इनकी फैमिली का कैसे फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह, तो हमें सेकंड पार्ट में जानने में आसानी होगी। देखो अगर मैं इसकी फैमिली ट्री की बात करूँ तो यानी कि बलबीर सिंह जो कि भाई, और वो दो भाई थे जिन्होंने स्वास्तिक स्टील कंपनी बनाई, और उसमें से एक था चोम जो कि भाई मतलब गद्दार था, और बलबीर सिंह थे लॉयर यानी कि अनिल कपूर। और फिर क्या हुआ, अनिल कपूर ने अपने भाई को कंपनी से निकाल दिया और फिर वो चला गया फॉरेन, उसका भाई फॉरेन से वापस उसका भाई आया, लेकिन उसने मतलब उसके कंपनी का हिस्सा मांगा लेकिन उसने नहीं दिया, अनिल कपूर ने वापस उधर से भगा दिया। उसने फॉरेन जाके क्या किया, उसने इस्लाम को अपना दिया ठीक है, जब वो मुस्लिम बन गया और उधर पे जाके 3 4 शादियाँ की, जहाँ पे उसमें से बड़ा बेटा हुआ जो कि बॉबी देओल यानी कि अबरार हक, जो कि हक का क्या मिशन है, खुद भी करके स्वास्तिक स्टील कंपनी और बलबीर सिंह की फैमिली और उसे बर्बाद करना है। वहीं आता है एक और भाई अजीज, जो कि हमें रणबीर कपूर का मतलब जो मतलब हम कह सकते हैं जो डुप्लीकेट बॉडी डबल वाला सीन जो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में एनिमल में दिखाया गया था, वही मतलब अजीज जो कि बंदा है अजीज, और भाई ये दोनों में बहुत ही सारे डिफरेंस जो हम आगे जाके बात करेंगे। ये भाई आता है अजीज, वो मतलब कुछ इधर आके वापस इंडिया में मतलब मांगता है लेकिन उसे भी शहर नहीं मिलता ठीक है। अब उस बंदे का मुझे रियल फेस तो नहीं दिखाया गया कि भाई देखो सर्जरी होने के बाद सेम टू सेम रण विजय वाला फेस आ जाता है ठीक है, जो कि अगर आपने पोस्टर देखा होगा तो, अगर तुम्हारे थिएटर में चला होगा तो, या फिर तुम चला किए हो तुम्हें कहाँ से देखना है तुम्हें पता ही है ठीक है। फिर अभी मैं बात कर लेते हैं हम बॉडी डबल वाले सीन पे, जहाँ पे रणबीर कपूर यानी कि रण विजय जिसका मतलब हमें बॉडी डबल दिखाया जाता है जो कि पोस्ट क्रेडिट सीन में आता है, जो कि अजीब वाला बंदा है ठीक है, उसकी सर्जरी हो गई तो उसका फेस हमें रिवील नहीं होता, जो कि मे बी हमें सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा कि भाई क्या हुआ था इस बंदे के साथ, मतलब ये कौन था वगैरह वगैरह। और देखो अगर हम अभी इस कैरेक्टर की बात करें अजीज, अजीज ये बहुत ही हराम बंदा है ठीक है, ये मतलब भाभी को नहीं छोड़ता, उसकी बीवी को तो कतई नहीं छोड़ेगा ठीक है। फिर मतलब ये ब्रूटली बहुत ही बुरा वाला बंदा है, मतलब बहुत ही कुछ ज़्यादा ही बुरा वाला बंदा है, इसको सिर्फ चाहिए वॉयलेंस, खून खराबा, मारदार, काटरा ठीक है, यही सब में ये बंदा रखता है ठीक है। और अभी अगर हम रण विजय की बात करें तो भाई रण विजय पूरा पूरा अलग ही बंदा है, ये मतलब पढ़ा लिखा है और लंदन जाके पढ़ के आया हो, और अजीज है जो कि भाई चर है, जो कि भाई मांस खाता है वगैरह वगैरह, हम ऐसा कह सकते हैं, जो कि एनिमल्स को काट वाट के वो मतलब बेचता है वगैरह वगैरह, तो ये अनपढ़ है और ये है भाई बड़े घर का अमीर लौंडा ठीक है। अब ये जो रण विजय है, रण
रणविजय देखो, रणविजय कैसा है जो कि भाई फैमिली के लिए केयर करता है, इमोशंस है ये बंदे में, मतलब है ठीक है। हम तृप्ति डिमरी वाले सीन को देख के कह सकते हैं कि हाँ भाई ये बंदे में इमोशंस है, मतलब ये मतलब फैमिली को देख सकता है, इसमें सिर्फ इतना पावर है कि भाई अपने फैमिली और अपने पापा को बचाना है कुछ भी करके। और एक सीन में मुझे ऐसा लगता है कि मे बी हमें सेकंड पार्ट में अनिल कपूर ना दिखे, मे बी देखो अगर ल्यूकेमिनिया है तो मतलब जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, उसे पता चलता है कि भाई ल्यूकेमिनिया ऐसी एक चीज डिजीज है जिससे भाई बंदा ज़्यादा रहता नहीं है ठीक है, वो मर जाता है। अब देखो भाई संदीप रेड्डी वंगा की फिल्म है, कुछ भी हो सकता है, मे बी वो मतलब चाहे तो वो जिंदा भी कर सकते हैं, आई डोंट नो मतलब अब क्या होगा। देखो अभी सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या अबरार हक जिंदा है, क्या बॉबी देओल जिंदा है, क्या मैं फिल्म के एंड में दिखाया गया था कि अबरार हक मर चुका है, जो कि एरोप्लेन वाला सीन जहाँ पे मैं फाइटिंग सीन करते हैं ठीक है, वहाँ पे हम बताया जाता है कि भाई अबरार हक यानी बॉबी देओल मर चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई मे बी ये देखो जब जब एयरपोर्ट पे रणविजय और उसकी पूरी पूरे दोस्त लोग भाई लोग जाते हैं, और वहाँ पे फिर उधर से वो घर से भाग कर अबरार हक और उसका जो ट्रांसलेटर है उधर से भाग के चले जाते हैं एयरपोर्ट के लिए, उधर से निकलना है कुछ भी करके, और उस बंदे से लड़ाई नहीं करनी ऐसा उसका ट्रांसलेटर भी बोलता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मे बी उनको पता था कि वो बचने नहीं वाले, मतलब ये बंदा मार तो खाने ही वाला है, यानी कि अबरार हक मतलब लड़ाई तो होने ही वाली है, तो कुछ भी करके मे बी मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों यहाँ से चले गए होंगे। और मुझे लगता है अबरार हक का अबरार हक निकल गया होगा कोई और साइड, अबरार हक का मतलब बॉडी डबल आ चुका होगा, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत ही सारे लोग मुझे बोले भाई अबरार हक है वो ही नहीं है क्या, और लेकिन मुझे लगता है नहीं भाई, क्योंकि वो जो सबसे फाइटिंग वाइटिंग कर रहा है ठीक है, लैंग्वेजेस यानी कि इनको जो इशारे इशारे वाले बात है वो मतलब अबरार हक की कर सकता है, अब दूसरे बंदे को दोगे तो कैसे चलेगा ठीक है, आई डोंट नो। मुझे लगता है भाई इसको तो देखो हम साइड पे ही छोड़ेंगे जब तक एनिमल पार्क का कोई मतलब वो कुछ मिलना जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा ठीक है। मुझे लगता है कि भाई अबरार मर ही चुका है ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट यानी कि एनिमल पार्क की थियोरीज पे, मतलब मुझे लगता है अभी बहुत ही सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ से संभल के ठीक से, आई नो भाई वीडियो बहुत ही लंबी जा रही है, लेकिन भाई इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है और सुनना तुम्हारा काम है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ठीक है। ठीक है हम धीरे धीरे एक एक चीज़ पे पहले तो बात करेंगे, पहले तो भाई पोस्ट क्रेडिट सीन पे आ जाते हैं जहाँ पे हम अजीज वाला कैरेक्टर जो कि रणबीर कपूर यानी कि रणविजय का जो पुतल वाला बंदा है भाई, ये बंदा अगर रणविजय को रिप्लेस कर देता है तो भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं कि रणविजय के घर क्या क्या हो सकता है, और रणविजय को अगर वो रिप्लेस कर देगा और उसके भाइयों को अगर किसी और जगह पे जाके मार वार दिया, और मुझे बहुत ही सारे लोगों ने पूछा कि भाई वो जो दो बंदे थे जिसको अजीज ने मारा था पोस्ट क्रेडिट सीन में वो वहाँ पे कैसे पहुंचे। अब भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो तुम भी दिमाग लगा सकते हो, ऐसा भी हो सकता है अजीज वाला बंदा है ठीक है ये मतलब डुप्लीकेट है, तो भाई मतलब कोई भी ऐसा ही बोलेगा ना भाई ये तो रणविजय है, तो भाई ये रणविजय समझ के ये दोनों इसके साथ आ गए, और फिर ऐसा हुआ होगा कि इन दोनों को भाई ऐसा लगा कि ये कोई और है लेकिन भागने गए होगी, उतने में इन दोनों को बंदी बना के इसने मार दिया, क्या आपने पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा होगा आपको पता चल ही गया होगा। देखो अभी ये अजीज वाले बंदी की बात करें तो भाई ये बंदा अगर इसके रणविजय के घर पहुंच गया तो भाई ये बहुत ही बैड है भाई होने वाला है ठीक है, अगर रणविजय यहाँ से अगर मे भी मुझे आई डोंट नो क्या होगा आगे जाके, अगर रणविजय को रिप्लेस कर दिया उधर से किसी जगह पे जाकर छुपा दिया रणविजय को, भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं कितनी ढाक टू में फिल्म चले जाने वाली, और एक इंटरव्यू में फिलहाल ही मतलब संदीप रेड्डी वांगा ने बोला भाई ये लोग कितनी क्रिटिसाइज कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को, भाई सेकेंड पार्ट देखेंगे तो मर ही जाएंगे भाई, मतलब भाई बहुत ही बैड ऐसे होने वाली है, एंड आई डोंट वॉन्ट टू हैपन दिस। क्योंकि भाई एक चीज़ तो मैंने नोटिस की कि अगर ये रणविजय को रिप्लेस करके उधर चले जाता है और अगर उसने उसके बाप को मार दिया, अगर वो उसके बाप नहीं मरा होगा सेकेंड पार्ट में और उसने अगर उसके बाप को मार दिया भाई क्या हाल होगा ठीक है, पूरे परिवार को अगर मार दिया, उसकी बहन है उसकी माँ है, फिर भाई स्पेशली रश्मिका मंदाना भाई साहब, भाई अगर रश्मिका मंदाना को जरा सा भी इधर उधर हुआ कुछ ना कुछ काम हुआ तो भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितनी बैड ऐसी ये फिल्म होने वाली है, और भाई संदीप रेड्डी मांगा है हम कुछ कह भी नहीं सकते भाई, कुछ भी हो सकता है जिस फिल्म में ठीक है। भाई अगर ये रश्मिका वाला कांड हो गया ना भाई, भाई मैं वेट आई डोंट वॉन्ट टू दिस हैपन ठीक है भाई, रश्मिका भाई भले वो नेशनल क्रश चेंज हो गई हो तो प्रिलिमरी हो, लेकिन भाई रश्मिका तो रश्मिका है ठीक है। तुमने ठीक से अगर दादाजी की बात सुनी हुई यानी कि रणविजय के दादाजी की बात सुनी होगी कि अगर उन्होंने बोला था कि अगर तुम एक जन को मारोगे, एक लोग को मारोगे, दो तीन लोगों को मारोगे तो पूरा का पूरा परिवार आएगा तुम्हें मारने के लिए, यानी कि इसके बोलते हैं और इसे बोलते हैं एनिमल पार्क, यानी कि भाई अगर तुम इसको मारोगे तो भाई पूरा परिवार आ जाएगा, अगर इसको टच भी किया तो भी पूरा परिवार आ जाएगा, मतलब इतने सारे लोग हैं उस परिवार में, क्योंकि देखो अभी बॉबी देओल की हत्या तो हो गई है यानी कि वो मर चुका है, उसकी दो बच्ची यानी कि ट्विंस अभी ऐसा हो सकता है भाई ट्विंस में बॉबी देओल मतलब काम करें, यानी कि ऐसे हमें बॉबी देओल इंट्रोड्यूस किए जाए सेकेंड पार्ट में, और देखो उसके जीजे का भी बच्चा है यानी कि रणविजय का जीजे का भी बच्चा है क्योंकि जीजे को भी उसने मार दिया, तृप्ति डिमरी यानी कि जोया की पेट में भी एक बच्चा है तो वो भी आएगा मारने के लिए, भाई इसको बोलते हैं एनिमल पार्क, ये बहुत ही बैड ऐसा होने वाला है ये सेकंड पार्ट, और भाई मतलब
वांगा साहब ने पहले ही कह दिया कि अगर तुम भाई फर्स्ट पार्ट को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो तो फिर सेकंड पार्ट देखोगे तो भाई मर जाओगे, ठीक है। और स्पिरिट का भी मतलब ऐसा कहा जा रहा है भाई, वो भी बहुत ही बैड है सुनने वाले, जो कि भाई इतना गंदा वाला पुलिस वाला होने वाला है ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, जो कि भाई मुझे हजम नहीं हो रही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 100th एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट कर रहा है ये जो बंदा रणबीर कपूर वाला लुक, जो कि भाई बूढ़ा वाला है, आई नो डोंट वॉन्ट टू दिस हैपन, मुझे ऐसा लगता है, एक डाउट है। तो तुम लोग इधर तक वीडियो देख रहे हो तो भाई सुन लो, ठीक है, एक अच्छी बात है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मे बी वो रणवीर विजय को मार के, अजीज वाला जो बंदा है इसके घर पे रह रहा है, सबको मार दिया, मतलब सबको मार तो नहीं दिया होगा, मे बी ऐसा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसके बाप को मार दिया और इधर पे ये रह रहा है बंदा, ठीक है। रणवीर विजय किसी और जगह पे है, या फिर रणवीर विजय को उसने मार दिया और वो अपनी कंपनी की 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, भाई ये कितना डार्क मोमेंट हो जाएगा ये फैमिली के लिए। भाई जिस बंदे को हम सोच रहे थे वो तो निकला ही नहीं, ये कि अजीज निकला, भाई ये सोचने वाली बात होगी कि भाई अगर वो अजीज निकला, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता कि भाई विलन हीरो पहले मर जाए और विलन वापस सेलिब्रेट कर रहा है 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है स्वस्तिक स्टील कंपनी का, ठीक है। आई डोंट नो भाई, मतलब अगर भाई ऐसा हुआ ना, ये सिनेमा का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस और बैडेस्ट वाला एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है भाई, मैं तो वेट नहीं कर सकता। बाकी तुम बताओ, इतनी थियरीज थी मेरे पास, क्या तुम्हें लगता है अबरार जिंदा है? क्या एक तुम्हारे थॉट्स एंड विचार है एनिमल थियरीज, एनिमल पार्क थियरीज के बारे में? क्या एक थियरी से जरिए कमेंट्स में जरूर बता देना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।